तुमने मुझसे कुछ रिश्ते वापस मांगे हैं ना, मैं उन्हें तुम्हें नए रूप में दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। तुम देखो, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं तुमसे फिर कहता हूँ, तुमने कुछ रिश्ते मांगे हैं मुझसे, मैं तुम्हें वो वापस दूंगा। तुम्हें ना कभी प्यार की कमी महसूस होगी और ना ही कभी अकेलापन महसूस होगा। डराने वाले तो लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन विश्वास करना, निडर बनके आगे बढ़ना सिखाते हैं ना, तो समझ लो वो इंसान तुम्हारी फिक्र करता है और तुम्हारा भला चाहता है। अगर तुम ध्यान दो ना, तो तुम्हारी जो भी इच्छाएं थी वो किसी ना किसी रूप में पूरी होती गई हैं और आगे भी ऐसा होगा। इसलिए जो नकारात्मक बातें करते हो तुम्हारे बारे में या तुम्हारे साई के बारे में, उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखा करो। और सुनो, खाने के मामले में बद परहेजी बिल्कुल मत करना। अपने शरीर को स्वस्थ रखना बेहद जरूरी है और थोड़ी सी सबूरी रखो। तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर आ रही है। आज जो भी नाश्ता बनाओगे उसका एक हिस्सा थाली में परोसकर मुझे खिलाना। और अभी तो जो तुम काम कर रहे हो वो पूरा मन लगा कर करो, जितनी देर करो पूरे मन से करो। एक समय पर एक काम को अच्छे से करो और फिर देखो, मैं तो तुम्हें बहुत आगे ले जाऊंगा। तुम मेहनत करना शुरू तो करो, और जो तुम्हारे काम में मन नहीं लगता तो पहले ही दिन बहुत समय उस काम को देने की बजाय थोड़ा समय दो और अत्यंत एकाग्रता से ध्यान दो। धीरे धीरे कोशिश करते जाओ। मेरे विचार से जहां तुम्हारी गलती हो वहां तुम्हें माफी मांग लेनी चाहिए। हर बार अपने विचार किसी और के ऊपर मत दबाव बनाया करो कि वो भी उसी विचारधारा से चले। हर इंसान एक सा नहीं होता, सबकी अलग अलग मंशा होती है और हर कोई मुझे अलग अलग तरह से सेवा देना चाहता है। कभी कभी तुम्हारे अंदर गुस्सा बहुत आ जाता है और फिर तुम बस गुस्से में जो निर्णय ले लेते हो, चाहते हो कि दूसरे भी उसे फैसले को अपना लें, पर ये गलती है। और एक बात जानते हो, जब भी कोई भी मेरे किसी भी बच्चे की जिंदगी में आकर उसे नुकसान पहुंचाने की या फिर उसे बदनाम करने की कोशिश करता है, तो मैं उसे कोसों दूर उठाकर फेंक देता हूँ। पहले तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जो अगर गलत इरादे से आया है तो मैं उसके इरादे बदल दूँ। ना सुधरे तो उसे मेरी डांट भी सुननी पड़ती है, और फिर भी ना सुधरे ना तो बहुत जोर का पटक देता हूँ। क्योंकि जो मेरी आराधना करता है सच्चे दिल से, अपने कर्मों से भी मेरी आराधना करता है, वो सच में मेरा भक्त है और उसके लिए मैं सदैव हाजिर हूँ। उन्हीं भक्तों में से एक तुम भी हो, इसलिए तुम निश्चिंत रहो। हर बार तुम्हारा ये जो सवाल रहता है ना कि साईं ये सही है या गलत, मेरे ऊपर छोड़ दो। जो तुमसे बात कर रहा है और जो बात करना बंद कर चुका है, ये सब मेरी लीला है, सब, और सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अच्छे के लिए ही सोचा हुआ है। मैं कहता तो हूँ कि मैं तुम्हें हर रिश्ते की तरफ से प्यार देने के लिए, हर रिश्ते निभाने के लिए तैयार हूँ, बस तैयार तुम्हें अपनी तरफ से होने की जरूरत है। मैं जानता हूँ उदार हृदय है तुम्हारा, पर बिना मांगे जरूरत से ज्यादा किसी की भी मदद मत करो। खुश रहो, मुस्कुराते रहो।